नमस्कार दोस्तों, आज 24 जून 2022 दिन शुक्रवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, जिनका स्पेशल 12 महीने प्याज बेचने का काम है अपने रजिंदर शर्मा जी, जो पहले दिल्ली आजादपुर मंडी के दो बार प्रेसिडेंट रह चुके, इनका प्याज का काफ़ी पुराना काम है। जान लेंगे आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का क्या कुछ बाजार चला जी, कितनी गाड़ी है मंडी में, क्या कह रही मंडी, अब क्या पोजीशन है जी? आज मंडी में 41 गाड़ी प्याज आया है। हाँ जी। और 52 गाड़ी कल की बैलेंस है। अच्छा जी। 93 गाड़ी आज बिकने के लिए है मंडी में, और बाजार जो है वो 10 रुपये से लेके 12 रुपये तक हल्के प्याजों का है। हाँ जी। गोली 6-7 रुपये किलो बिक रही है। हाँ जी। मीडियम प्याज बिक रहा है 13 रुपये से लेके 15-16 रुपये तक। हाँ जी। और जो मोटे प्याज हैं वो बिक रहे हैं 16 रुपये से 20 रुपये तक। अच्छा जी। इन सब चीज़ों के बारे में एक बात सब आदमी समझ लें कि 16 से 20 वही बिकेगा जो डबल पत्ती रंगदार मोटा होगा 50 mm से ऊपर। अच्छा जी। 50 mm से छोटा दाना उसमें नहीं होना चाहिए। हाँ जी। 45 mm 40-50 mm तक जो प्याज है। हाँ जी। उनका भाव 14-15 रुपए है और छिलके के साथ। हाँ जी। ये सब आदमी समझ लें कि अगर आपका छिलका नहीं है, हल्का प्याज है, तो जो भाव बता रहे हैं उससे 2-3 रुपए किलो कम बिकेगा। सर जी ये भाव उन प्याजों के हैं जो बढ़िया रंगदार पक्के छिलके के हैं। हाँ जी। सर जी किसी को mm का तो पता नहीं चलता, तो आप वजन के हिसाब से बता दो कि प्याज में यानी कितने ग्राम तक का प्याज, कोई अंदाजा मोटा सा। देखो जो प्याज अंडे के आकार का है ना। हाँ जी। उस प्याज को आप ये समझो 15 रुपये से 18 रुपये तक है। अच्छा जी। और जब हम गुल्ला जिसे कहते हैं। हाँ जी। अंडे से आधा। हाँ जी। उसकी पोजीशन 12-13 रुपये है। अच्छा जी। और जिनके छिलके कमज़ोर हैं वो सब 10 रुपये से कम है। अच्छा जी। छोटे और मीडियम। हाँ जी। मोटा अगर छिलका भी कमज़ोर है तब भी 14 रुपए से ऊपर है। हाँ जी। ये पोजीशन है। ये सारे प्याज आ गए जी इसमें? सारे प्याज आ गए। इस प्याजों में इस वक्त कोई फर्क नहीं है। हाँ जी। सब प्याज एक भाव बिक रहे हैं, सिर्फ मोटाई पे, रंग पे, और पत्ता है, सिंगल पत्ता है, डबल पत्ता है, इसी पे सारा रेट है। सर जी जो 2-4 दिन पहले एक बार ऊपर तक प्याज का रेट गया था, अच्छे प्याजों का, वो 22-23-24 तक। हाँ। वो नीचे आ लिया जी अब? देखो 22-23-24 जो है ना। हाँ जी। किसी को भाव बताना नहीं चाहिए क्योंकि वैसा प्याज होता नहीं है। अच्छा जी। अगर हम देश में सबको ये समझाने लगे कि भैया चाय बेचने वाला मोदी प्रधानमंत्री बन गया। हाँ जी। और सारे चाय वाले के हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ जी। तो वो सोच गलत है। अच्छा जी। जो प्याज 20 से ऊपर बिकेगा आज भी बिकेगा। हाँ जी। पर वो स्पेशल होगा, वो होता नहीं है और वैसा कोई बनाता भी नहीं है। हाँ जी। 20 से 22 रुपए वाला प्याज बनाने के लिए आधे से ज़्यादा प्याज छोटा मीडियम अलग करना पड़ता है। अच्छा वो जी। किसान करता नहीं है। अच्छा वो जी। स्पेशल बिल्कुल मोटा माल 60 mm से ऊपर होता है, मतलब आप समझ लो कि उतना प्याज मोटा होता है जितनी क्रिकेट की गेंद होती है। अच्छा जी। हाँ। तो उतना मोटा प्याज अगर अलग छाट के ले बिक जाएगा 20 से ऊपर। अच्छा जी। पर वो बातें बताने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि जो वैसा प्याज छाटते हैं उनका जो बचा हुआ प्याज है वो कम रेट में बिकता है, तो उन्हें नुकसान होता है। हाँ जी। हाँ जी। और किसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो तो कहते हैं एक ही प्याज है। हाँ जी। तो इसलिए उन बातों को जो आदमी करते हैं और बताते हैं, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कोई प्याज फेल हो गया या किसी के पास ऑर्डर कैंसिल हो गया तो वो आ जाते हैं और वो तेज बिक जाते हैं। हाँ जी। इतने मोटे प्याज ना कोई लाता है, एक आधा लाट आ गया, कभी कभार आता है तो बिकता है। बिल्कुल। आम तौर पर बाजार जो है इस वक्त अच्छे प्याजों का डबल पत्ती रंगदार 17-18 रुपए है। अच्छा जी। उससे ऊपर है अगर उसमें थोड़ा और बढ़ियापन है तो 20 रुपए भी है। अच्छा जी। ये पोजीशन। अच्छा जी। अच्छा। पर ज़्यादातर प्याज मंडी में जो हैं वो 11 रुपए से 15 रुपए तक बिक रहे हैं, ज़्यादातर 80% प्याज 11 से 15। और यही माल ज़्यादा है किसानों के पास? यही माल किसानों के पास है और यही मंडियों में आ रहा है? यही मंडियों में आ रहा है। तो किसान उस पर दिमाग ना लगाए कि 18 बिक रहा है, 20 बिक रहा है। हाँ जी। क्योंकि वैसा प्याज उस पर होगा तो बिकेगा ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आज की बिक्री कैसी चली जी सर जी? फिर ये बिक्री रोज देखो जी 40-50 गाड़ी दिल्ली में होती है। हाँ जी। उतनी आज भी होगी। अच्छा जी। हाँ। तो
ये आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जी, आप तो कई दिन के बाद मिले, जैसे अब बरसातें मानसून शुरू हो चुकी, पीछे भी मानसून और यहाँ भी दिल्ली आने वाला, तो टिका रहेगा जी, इसी गेम में घूमता रहेगा बाजार, इसी में रुका रहेगा? और बरसातें जब 10-15 हो जाएंगी उसके बाद हो सकता है 2-4-5 रुपये बढ़ जाए। हाँ जी, क्योंकि फिर जिसने स्टॉक कर लिया वो प्याज आराम से निकालता नहीं है। अच्छा जी, वो तभी निकालेगा जब 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। हाँ जी, तो इस लिहाज से अभी तो लग रहा है जो प्याज का भाव चल रहा है इससे गिरेगा नहीं। हाँ जी, रुपये 2 रुपये चढ़ जाए। अच्छा जी, हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। एक बार अपनी दुकान का एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर जी। मेरी फर्म का नाम राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली है, और मोबाइल नंबर 98-102-61-648 है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।